कोर्स मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पीडियाट्रिक्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और आपके लिए ये वीडियो उस डिसीजन पर जो कि आपके लिए क्रूशियल होगा, वह ये कि आपकी रैंक आ जाती है नीट पीपीजी में और अब आप कंफ्यूज हैं कौन सी ब्रांच को। लेकिन क्योंकि मेरा चैनल स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं पहले बता दूं कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही एक आध सेंटेंस में बताऊंगा। और तो क्या करना है, 11 12th के बाद आपका नीट यूजी एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस मिलेगा। एमबीबीएस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दोनों में से कोई भी मिल सकता है। और उसके बाद आप जो है एमबीबीएस कर लेंगे, जब उसके बाद आपको नीट प्रीपीजी देना होता है, जो कि थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है जिसमें नेक्स्ट वगैरह, तो वो देंगे। और आपको फिर काउंसलिंग के द्वारा ब्रांचेस मिलती हैं अलग अलग, जैसे कि एमएस जनरल सर्जरी, एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स, एमएस गायनी, एमएस ऑर्थो, इस तरह की ब्रांचेस, ठीक है। तो आज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडी मेडिसिन ब्रांच कैसी है इसका रिव्यू और एनालिसिस यूट्यूब पर पहली बार करने वाला हूँ, और यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोज नहीं हैं। तो और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन होता है जब आपकी कोई रैंक आ जाती है, जहाँ पर आपको खासकर यदि मेडिसिनल ब्रांच में इंटरेस्टेड है तो आप कंफ्यूज होते हो, एमडी मेडिसिन लेनी है या एमडी पीडियाट्रिक्स लेनी है, और आपको अपना इंटरेस्ट भीतर से नहीं पता होता है। तो इस स्थिति में ये रिव्यू या एनालिसिस आपको हेल्प करेगा जानने में कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं रेजिडेंसी से। एमडी मेडिसिन 3 साल का होता है। आप रेजिडेंसी में जब जाते हैं तो हाउस जॉब में काफ़ी काम होता है, डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट में। कुछ इंस्टीट्यूट में बहुत हेक्टिक काम होगा, कुछ में थोड़ा लाइट होगा। एमडी मेडिसिन के दौरान में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि डिसेंट होता है। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, दिल्ली वगैरह में सबसे ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 1 लाख रुपये महीना है। 3 साल के लिए आपको 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे जो कि यूजली सस्ते होते हैं, सब्सिडाइज होते हैं, और एम्स में तो खाना वगैरह भी सब्सिडाइज है, लेकिन बाकी कॉलेजेस में खाना आपका अपना जो भी मैस है या जो भी अरेंजमेंट आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप बाहर रहकर पढ़ना चाहते हैं, अपना कोई मकान किराए से लेकर या 4-5 लोगों का दोस्त बनाकर, वो भी किया जा सकता है। हॉस्टल मैंडेटरी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। अब बात आती है कि रेजिडेंसी में आपको पहले साल बेसिक्स काम होगा, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग शुरू होगी, आपको इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस करना, केस प्रेजेंटेशंस होंगे आपके। आपको इसमें पीजी के दौरान में पैसिव लर्निंग नहीं होती, एक्टिव लर्निंग होती। दैट मींस कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट टीचिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेसर आपको जैसे अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाया करते हैं ब्लैक बोर्ड पर या पावर पॉइंट पर, वो नहीं होता। आपको प्रेजेंट करना होता है और उस पर फीडबैक्स दिए जाते हैं। राउंड पर जो पेशेंट के राउंड होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ओपीडीज में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, स्टाइपेंड थोड़ी हेक्टिक रहेगी। साथ ही साथ में ये ब्रांच जो है ये कन्वेंशनली सबसे पुरानी ब्रांच है पोस्ट ग्रेजुएशन की और सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांचेस में से एक है। मैं पद्मश्री डॉक्टर्स की लिस्ट देख रहा था और इस साल तक की लिस्ट, तो सबसे ज़्यादा पद्मश्री जो मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से, तो वो सारे के सारे जो हैं वो एमडी मेडिसिन बैकग्राउंड के लोग हैं, या फिर सॉरी कुछ डिस्टर्बेंसेज आवाज़ों में, या फिर एमडी मेडिसिन के बाद डीएम किए हुए लोग हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है, पद्मश्री को ज़्यादा क्यों लेंगे इसमें? तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि एमडी मेडिसिन जो होते हैं क्योंकि एडल्ट्स को ट्रीट करते हैं और नेताओं को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स ये सब होती है ना, तो पॉलिटिशियंस के टच में ज़्यादा रहते हैं, टॉप पॉलिटिशियंस के टच में, इस वजह से थोड़ा अवार्ड वगैरह जल्दी उनको मिलते हैं। तो एमडी मेडिसिन में ये कन्वेंशनली बहुत अच्छी ब्रांच है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो एमडी मेडिसिन डॉक्टर है, और सबसे बड़ा एडवांटेज इस समय जो है वह है कि आपको डीएम के लिए गेटवे ओपन अप होता है। मतलब आप डीएम करने में सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, और ये जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स दोनों के बाद किए जा सकते हैं, लेकिन एमडी मेडिसिन ज़्यादा बेटर है डीएम यदि आपको खासकर एडल्ट ब्रांचेस में करना है। तो पीडियाट्रिक में तो पीडियाट्रिशियन से एमडी वाले ही एलिजिबल होंगे जो पीडियाट्रिक्स के डीएम हैं, लेकिन एमडी पीडियाट्रिक्स वाले डीएम कुछ एडल्ट भी ग्रैप कर सकते हैं, बट एमडी मेडिसिन वाले पीडियाट्रिक में नहीं जा सकते। लेकिन पीडियाट्रिक डीएम उतने अच्छे हैं भी नहीं, क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कम है ना, रिलेटिवली 40% बच्चे होते हैं और 60% एडल्ट्स होते हैं पॉपुलेशन में। तो इस वजह से एडल्ट डीएम करना, और जो एडल्ट डीएम होते हैं वो सुपर, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी भी करने लगते हैं वो लोग, तो वो बच्चों को ऑलरेडी अपना डीएम करके ही
ट्रीट करने लगते हैं। तो इस वजह से यदि डीएम करना हो तो ये बेस्ट ब्रांच है। यदि डीएम नहीं भी करना हो तो भी इस ब्रांच में इन स्पाइट ऑफ हैविंग सैचुरेशन बिकॉज देयर इज नो डिप्लोमा अभी भी बहुत नीड है शहरों में भी और छोटी जगहों पर भी। शहरों में थोड़ा सा सैचुरेशन है, आपको जॉब्स तो मिल जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन खुद की प्रैक्टिस जमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट स्टिल इट्स अ डिसेंटली पेइंग जॉब ब्रांच है। अब आप बात करेंगे कि एमडी करके आपको कैसे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। एमडी करके आपका क्या एम है? गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, टीचिंग फैकल्टी बनना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, या फिर आप देखें कि कुछ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे NTPS, PC, BHEL, MPV, इनमें भी होते हैं। रेलवे के लिए आपको UPSC देना होगा तो उससे आपको क्लास ग्रेड वाला पोस्ट मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, या कॉर्पोरेट में आप करना चाहते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है वो डॉक्टर्स के, यदि जॉब ओरिएंटेड आपका माइंड है तो वो टीचिंग फैकल्टी बनना है। टीचिंग फैकल्टी इधर इन एम्स लाइक इंस्टीट्यूट्स और इन इंस्टीट्यूट्स लाइक वेयर आई एम वर्किंग। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेजेस जहां पर थोड़ा प्रैक्टिस भी अलाउड है, आपको आप अपने खाली टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है क्योंकि आपको दोनों चीज़ों का मज़ा लाइफ में मिल रहा होता है, एकेडमिशियन होने का रिसर्चर टीचर एज वेल एज प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो उससे जो सोशल पब्लिक जो रिकग्निशन होता है और थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट्स भी होते हैं वो, और लीगल वे में वो आप हो सकते हैं। डेफिनेटली आप क्यूरियस होंगे जल्दी से सुनने के लिए कि सैलरी वगैरह क्या मिलती है। इनिशियल सैलरी आपकी स्टेट पर डिपेंड करेगी, किस स्टेट में है, किस शहर में है, इस पर भी डिपेंड करेगी। कम से कम 70,000 से आपका स्टार्ट होगा। स्टार्ट 1 या 1.5 लाख रुपये महीने, 1.5 लाख तक से भी हो सकता है, स्टेट और इंस्टीट्यूट और शहर पर निर्भर करता है। इंस्टीट्यूट ये नहीं कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, आप कहाँ पर जॉब आपको मिला है उस पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 1 लाख पर मंथ से आपकी स्टार्टिंग होगी। अब यदि आप जॉब पर ही रहते हैं तो आपको ग्रोथ 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से, आप यदि मिडिल एज में आते हैं तो 2-2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये महीना इस तरह से कमाने लगते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था बेस्ट जॉब्स जो होते हैं वो टीचिंग जॉब होते हैं। तो टीचिंग जॉब में आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होगी, बट वो पहले 1 साल की आपको एसआरशिप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में करनी होगी, पोस्ट एमडी एसआरशिप। एसआरशिप में भी स्टाइपेंड लगभग 1 लाख के अराउंड मिलता है। तो आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पोस्टिंग होगी, जिसमें डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट किस स्टेट में, उसके हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ प्रैक्टिस अलाउड नहीं है तो वो 1.5 लाख रुपये महीना होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। और यदि आप प्रैक्टिस वाले जैसे यहाँ MP में यदि पोस्टेड हैं किसी मेडिकल कॉलेज में तो वो अराउंड 70-75 हज़ार रुपये महीने की तकरीबन जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा सा रिस्की होते हैं क्योंकि वो कई कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कई बार डॉक्टर्स की सैलरी तक ढंग से नहीं देते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे भी हैं बहुत सारे केसेस ऐसे हुए। एनीवे, अब इसमें बेस्ट प्लेसमेंट अपना आपका अपना क्लिनिक हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट प्लेसमेंट। अपने क्लिनिक में आपकी ग्रोथ होगी, स्टार्टिंग स्लो होगा लेकिन ग्रोथ, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस के कई एरियाज हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका, आपके भीतर कितनी एम्पैथी और वार्मथ है, और इसके अतिरिक्त आप अपनी ब्रांडिंग कितने तरह से कितने अच्छे से कर सकते हैं। एक डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक होता है वो अपने आप में एक मैनेजर भी है और एक एंटरप्रेन्योर भी है, और वो ब्रांड उसको अपना बनाना होता है। तो ब्रांड के लिए आप कितना अटेम्प्ट्स करते हैं लीगल वे में और चीप वे में, एडवर्टाइजिंग नहीं लेकिन प्रॉपर वे में, और अपना लोकेशन आपने कौन सी जगह जहाँ नीड है वहाँ जाएंगे तो जल्दी एस्टेब्लिशमेंट होगा। खासकर छोटी जगहों पर बहुत ज़्यादा नीड है। कई डॉक्टर्स आजकल एक शहर में बसते हैं और हफ्ते में एक बार किसी पेरीफेरी में जाके करते हैं प्रैक्टिस, या 2 बार करते हैं और वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी जम जाती है। फिर वहाँ से भी पेशेंट्स इनके पास सिटी भी आने लगते हैं ज़रूरत होने पर, लेकिन जो इनिशियल स्ट्रगल होता है जो सर्वाइवल का, कि आप इनिशियल जब अपना क्लिनिक ओपन करते हो और कमा नहीं पाते हो तो आप जब पेरीफेरी में किसी जगह जाते हो, आसपास की पेरीफेरी, फॉर एग्जांपल 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर किसी तहसील में या छोटी जगह पर, वहाँ पर आपको पेशेंट बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। और यदि आप अच्छा काम करते हो तो वो गांव के पेशेंट सबसे अच्छे होते हैं। मेरे पेशेंट, मैं समझता हूँ मेरे जो गांव के पेशेंट होते हैं मैं उनको सबसे अच्छे पेशेंट मानता हूँ। वो वेट कर लेते हैं, वो ईगो नहीं रखते, उनकी नॉलेज भले कम हो लेकिन उनमें विश्वास होता है, जिस विश्वास की वजह से वो जस्ट फॉलो करते हैं बिना इफ एंड बट्स के आपको। जबकि शहर के पेशेंट्स शक्की होते हैं बहुत सारे,
या बहुत सारे इन्फेंट बर्ड्स होते हैं, अधकचरा नॉलेज रख सकते हैं वो, तो इस वजह से गांव में ध्यान दिया कीजिए, गांव से भागा मत कीजिए, गांव और इंडिया 70% गांव वाला है, आपको यदि गांव के लोग प्यार करते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास लोग कभी सब्जियां ले आते हैं गांव से, कभी कोई घी का डब्बा ले आता है, कोई गुड़ ले आता है, प्यार से, बहुत प्यार से, मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा लगता है उनका ये प्यार। तो आप जो है जब भी जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे गांव के लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको अपना मानकर, और वो आपके बेस्ट असेट्स होंगे, बेस्ट पेशेंट होंगे, सबसे ज़्यादा आपका प्रचार करने वाले, सबसे ज़्यादा आपको खुशी देने वाले। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करेंगे। आपके मन में होगा कि मैं पीडियाट्रिक्स लूँ या मेडिसिन लूँ, तो इसके लिए देखो जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर बताया मैंने लगभग सिमिलर है एमडी पीडियाट्रिक्स और एमडी मेडिसिन करके। प्रैक्टिस करना रिलेटिवली मेडिसिन में ज़्यादा मैं ईजियर मानूंगा, क्योंकि एमडी पीडियाट्रिक्स में क्या होता है डिप्लोमा भी है जो कि 2 ही साल में कंप्लीट हो जाते हैं, तो सैचुरेशन इन कंपेरिजन टू मेडिसिन तेज़ी से बढ़ा है। साथ ही साथ में क्योंकि इन्फेंट मोर्टिलिटी कम करना गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस पे किसी भी गवर्नमेंट पर प्रेशर होता है, WHO, यूनिसेफ, इंटरनेशनल एजेंसीज का, कि आपके देश की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट ये सब कम हो, तो इस वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसको पीडियाट्रिक को स्ट्रेंथन किया जाता है, ज़्यादा पोस्टिंग होती है, छोटी छोटी जगहों पर आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे पीडियाट्रिक्स को डील करने वाले, उस वजह से सैचुरेशन है थोड़ा। और लेकिन जॉब यदि आप बात करें तो पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा हैं एमडी मेडिसिन की तुलना में, क्योंकि SNCUs करके जो होते हैं न्यूबॉर्न सिक न्यूबॉर्न यूनिट्स जो ऑल ओवर इंडिया खुली हैं, वहाँ पर काफ़ी डिसेंट जॉब हैं एमडी पीडियाट्रिक्स या इवन डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स करके, तो जल्दी जॉब मिलते हैं। लेकिन एक तो अब सैलरी और जॉब को मैं मेडिसिन और पीडियाट्रिक में इक्वल पॉइंट दूंगा, हम एक काम करते हैं दोनों को पॉइंट्स देना शुरू करते हैं, तो 10 में से 10 दोनों को दे दिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेजिडेंसी किस में टफ है। पीडियाट्रिक्स में थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक होगी मेडिसिन की तुलना में, कोई जनरल रूल नहीं, इंस्टीट्यूट पर भी निर्भर करता है, बट जनरली ज़्यादा हेक्टिक होती है पीडियाट्रिक्स में। थर्ड है सैचुरेशन। सैचुरेशन दोनों में ही है, दोनों को मैं सैचुरेटेड मानूंगा लगभग इक्वली। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन लेने के लिए, वो ये है कि आजकल का जो माहौल है जहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है और बात बात पे लोग झगड़ने लगते हैं और ये नहीं समझते कि सारा आउटकम डॉक्टर पर निर्भर नहीं करता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स दुनिया में मेडिकल साइंस इवॉल्व हुआ है तो डेथ रेट कम हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मरते थे पहले संख्या में, हमारे बच्चे, हमारे एडल्ट, हमारे जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा है, डॉक्टर लेकिन फिर भी अमर नहीं बना सकता कुछ को, ऐसा होता है तो डॉक्टर्स खुद क्यों डेथ हो जाती है, डॉक्टर्स के कोई बच्चों की भी डेथ हो जाती है, तो किसी को भी हम अमर नहीं बना सकते हैं। हम साइंस का एक माध्यम है, ये लोग नहीं समझते हैं, साइंस और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज मात्र है, लेकिन हम ये नहीं है कि हम पूरी प्रकृति को बदल देंगे, और तो इसलिए इंस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स बैड आउटकम हो सकते हैं और ह्यूमन जजमेंटल एरर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉम्प्लेक्स साइंस है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स एक बार में ही प्ले कर रहे होते हैं, एक महीन रस्सी से पर दो खाइयों के बीच में महीन रस्सी है ना, उसमें चलने जैसा काम है, लोगों को ये समझना होगा, तो उसमें कितनी भी प्रैक्टिस हो आपकी कभी ना कभी गलती हो सकती है ना, तो ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वायलेंस करेंगे, उसके लिए बहुत सारे फोरम हैं, डॉक्टर यदि आपको लगता है करप्ट है या कुछ उसने गलत किया तो बहुत सारे कंप्लेंट के फोरम हैं, वहाँ पर आप केस दायर कर सकते हैं, डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में देखने में आया है कि मॉब वायलेंस बहुत बढ़ा है और इस पर कोई गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही और कोई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे रिसेंटली दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में जो नए बच्चे हैं उनको यही है कि अपने लिए ब्रांच ऐसी चुनो जो कि रिलेटिवली कम रिस्क वाली हो। तो मैं इसमें यदि मैंने 10-10 पॉइंट्स अभी तक लगभग दोनों को बराबर दिए थे तो मैं पीडियाट्रिक्स को 4 दूंगा और मेडिसिन को 7। दैट मीन्स पीडियाट्रिक काफ़ी रिस्की है, वन ऑफ द रिस्की मोस्ट रिस्की ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, जिसमें गायनिंग को मैं टॉप पर रखता हूँ, उसके बाद पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीजिया, DM में करें तो कार्डियोलॉजी, तो ये रिस्की ब्रांचेस हैं न्यूरोसर्जरी सर्जरी में, तो ये जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आते हैं, खासकर बच्चों में, तो आपने आज बुखार देखा है सिंपल था और वो कल जाके डिटोरिएट हो गया, इट्स क्वाइट पॉसिबल, तो आपके सारे अच्छे जजमेंट के बावजूद भी, तो ये काफ़ी रिस्की है इन कंपैरिजन टू मेडिसिन। मेडिसिन में क्योंकि एडल्ट खुद अपने आप को
व्यक्त कर सकता है अपने फैमिली मेंबर्स की, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी एक जीने की एक हिस्ट्री होती है उसकी, जो सडनली एडल्ट्स हार्ट अटैक वगैरह को ले लें या ब्रेन हेमरेज को, तो डिटोरेट नहीं होते हैं, जबकि सिंपल फीवर वगैरह में सडनली डिटोरेट नहीं होते हैं, जबकि बच्चों में कई कारण हैं सडन डिटोरेशन के। तो वो जो रिस्क फैक्टर है उसमें, उसकी वजह से मैं मेडिसिन को ऊपर रखूंगा। मेडिसिन रिलेटिवली सेफर ब्रांच है बहुत सारी ब्रांचेस से, जैसे कि जनरल सर्जरी, गायनी, मैंने आपको बता दिया, न्यूरो सर्जरी वगैरह, ठीक है। तो एमडी मेडिसिन को इस पॉइंट पर मैं पीडियाट्रिक से ऊपर मानूंगा। स्टारडम और लोकप्रियता, स्टारडम लोकप्रियता, और इसके बाद हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल खोलने में क्या फ़ायदा है, और इसके बाद हम करेंगे कि करियर ग्रोथ पीक कहाँ तक जाएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग सैलरी बताई थी, तो स्टारडम लोकप्रियता पीडियाट्रिशियन को ज़्यादा मिलती है इन कंपेरिजन टू मेडिसिन पर्सन्स, क्योंकि जब भी आप किसी का बच्चा ट्रीट करते हैं तो वो बहुत ही मोस्ट ऑफ 80-90% पेशेंट्स काफ़ी कृतज्ञ होते हैं, काफ़ी भीतर से ऑब्लाइज फील करते हैं आपके प्रति, और आप एक उनके परिवार का हिस्सा हो जाते हो, आपका नाम वहाँ पर घूमता रहता है उस मोहल्ले में, उस माहौल में। तो रूल नहीं है, बट पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा स्टारडम और ज़्यादा प्यार मिलता है, तो इसमें पीडियाट्रिक्स को मैं, ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्टारडम वाली ब्रांच है, 10 में से 9 दूंगा, तो मेडिसिन को मैं 6 दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीक इनकम। पीक इनकम जो है, यदि आप सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं तो स्टेट पर भी निर्भर करेगी, तो आप एक मिडिल एज जैसे मेरी एज में जाएंगे तो यदि एमपी में हैं तो आप 3-5 लाख रुपीस पर मंथ के अराउंड मेडिसिन, सिर्फ आप क्लिनिक करते हैं अपना और ईमानदारी से बिल्कुल करते हैं तो 3-5 लाख पर मंथ के अराउंड कमाएंगे। लेकिन आप यदि एनसीआर क्षेत्र में हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की फ़ी एमपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इनकम 7-10 लाख पर मंथ ओनली ओपीडी से हो जाएगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं यदि आप अपना एक छोटा हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर खोल लेते हैं, डे केयर सेंटर जहाँ पर आप ड्रिप व्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं कुछ मरीजों को और बाकी को ओपीडी में ट्रीट करते हैं और उसी दिन उनको भेज देते हैं, तो वहाँ पर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एमपी वगैरह में, तो आपकी इनकम छोटे हॉस्पिटल से 5-15 लाख पर मंथ के अराउंड में रह सकती है छोटे हॉस्पिटल से। एक और एडवांटेज एमडी मेडिसिन ब्रांच में है जो कि पीडियाट्रिक से ज़्यादा है, वो है कि ये फीडर ब्रांच है, दूसरे सभी ब्रांचेस को फीड करती है। फॉर एग्जांपल सर्जरी को, गायनी को, आप मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट पेशेंट्स मेडिसिन पेशेंट जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो फिर उसको लगेगा कि ये किसी और प्रॉब्लम की कोई और समस्या है, फॉर एग्जाम्पल ENT की है, गायनी की है, इट कुड बी एनीथिंग, देन वो वहाँ भेज सकता है। तो इस वजह से फीडर ब्रांच होने से कोई भी हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं फिजिशियंस, एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स, क्योंकि यदि वो वहाँ पर एमडी मेडिसिन वाला अच्छा नहीं चल रहा है, लोकप्रिय नहीं है, तो वो हॉस्पिटल का बहुत अच्छा सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। पीडियाट्रिशियन ना हो चल जाएगा उस हॉस्पिटल में, दूसरी ब्रांचेस वाले ना हो चलेगा, लेकिन मेडिसिन का की जो ओपीडी है अच्छी होना चाहिए, डॉक्टर का नाम होना चाहिए, उससे उसको सब जगह वो मिलेगा, बाकी भी पेशेंट्स मिलना शुरू होंगे हॉस्पिटल को। और यदि आप थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल पार्टनरशिप वगैरह में खोल सकते हैं तो फिर, और वो रनिंग वेल रनिंग होता है, तो फिर अर्निंग बहुत एक्सपोनेंशियली राइज कर सकती है, जो कि यूजली लोग कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद करते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन जिनके पास पैसा कम है तो कुछ साल प्रैक्टिस करेंगे, पैसा भी जोड़ लेंगे थोड़ा, साथ में आपके पास पेशेंट का एक बेस हो जाएगा, देन दे कैन प्लान टू हैव देयर ओन हॉस्पिटल विद अदर पार्टनर्स और अदर फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल दे कैन गो फॉर पार्टनरशिप और इसमें लीज लेकर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या अपनी कोई लैंड हो सकती है उनके पास और लीज में 10-12 साल 13 साल 20 साल इस तरह की लीज लेकर आप वहां पर एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस हो, मल्टी स्पेशलिटी हो, तो उसमें जो अर्निंग होगी आपकी वो दैट कुड लाइक डिपेंड करता है आपका हॉस्पिटल कैसा चलता है, 1 करोड़ तक दी जा सकती है, 1 करोड़ पर मंथ पार्टनर्स में डिवाइड भी होगी तो भी स्टिल यू वुड बी अर्निंग मच बेटर। तो ये थी बात अर्निंग से लेके सारे रिस्क फैक्टर, ट्रेनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन आपको ही लेना है। हाँ, तो अब भी आप कंफ्यूज हैं पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन के बीच में, तो मैं कहूँगा कि अपना भीतर से इंटरेस्ट टटोलिए, भीतर से खुद को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आपको यदि बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, बच्चों के प्रति आप में वात्सल्य है ना, एक वो ममता वात्सल्य, वो जैसे मेरे पीडियाट्रिक के डिसीजन मेकिंग में मेरी रैंक काफ़ी ठीक थी, अच्छी थी बहुत, मुझे कुछ भी मिल रहा था, मेरे डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला ये था कि मुझे अच्छा लगता था बच्चों के बीच में, और आज भी अच्छा लगता है, मैं मोहल्ले के बच्चों के बीच में कार्टून जैसा रहता हूँ और
बच्चे मेरे दोस्त हैं यहाँ, सब लोग हम लोग मिलके जब खेलते हैं तो वो मुझे मेरे लड़ाई भी करते हैं कि अंकल आप चीटिंग करते हो, ये करते हो, तो आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो यदि आप वो एंजॉय करते हो तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिर आप पीडियाट्रिक्स की ओर जाएंगे। बट यदि वो एंजॉय नहीं करते हो, जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर यदि डिसीजन लेना है, तो मेडिसिन बेटर मानूंगा मैं इस समय के माहौल में, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वायलेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंट फैक्टर है इंडिया में इस वक्त। थैंक यू वेरी मच।